लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस फूड विद मैं जबीन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम, स्वागत है। अगर आप रोज रोज दाल खा के उठ चुके हैं तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, जो कि बहुत ही खाने में लजीज होती है, अच्छी भी लगती है और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है, और ये हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी है। दाल, चने की दाल से बनी हुई ये रेसिपी है, स्पेशली ये इसे बोलते हैं काबुली पुलाव, काबुली चने दाल की पुलाव। ये काबुल की रेसिपी है और काबुल में ये चने की दाल के पुलाव को, या आप चने की दाल की बिरयानी भी इसे कह सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस होती है। तो आइए हम बहुत ही जल्दी से देख लेते हैं, तो चलिए हम बहुत ही जल्दी से देख लेते हैं कि हमें काबुली चना पुलाव बनाने के लिए किन किन सामानों की जरूरत होगी। चावल मैंने लिया है बासमती, ये हाफ के जी मैंने चावल लिया है, मुझे एक्चुअली ज्यादा बनाना था। और दाल हम लेंगे, अगर हम चावल हाफ के जी लेंगे तो हमें दाल 250 ग्राम लेना है, मतलब 250 ग्राम हमको लेना है, दो हिस्से चावल और एक हिस्सा दाल का रहेगा। ये फ्राइड ऑनियन है, दो बड़े प्याज आपको ले लेने हैं और उसे बारीक अच्छे से चॉप करके उसे आपको गोल्डन फ्राई कर लेना है। गरम मसालों में हमें चाहिए ये दालचीनी मैंने लिया है, दालचीनी है मैंने हाफ इंच, मतलब आधा इंच के टुकड़े में हमें दालचीनी चाहिए। और लौंग मैंने लिया है 4 से 5, दगड़ फूल मैंने लिया है 1, बेलीफ यानी कि तेज पात मुझे चाहिए हमें 4, करी लीव्स मैंने लिया है 10 से 15, ये ड्राई है, और जीरा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, जावित्री मैंने ली है 1 इंच, शाहजीरा मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच, और 1 मैंने ली है बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। मसालों में हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, लाल मिर्ची का पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, एक्चुअली मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों 1/2 टीस्पून लिया है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, इसलिए ही मैंने, क्योंकि मैंने इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लाल मिर्च कम ली है। आप चाहें तो हरी मिर्च का यूज करें, या अगर आप टोटल लाल मिर्च का पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, वो आप चाहे तो चाहे तो ग्रीन चिली भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। नमक मैंने लिया है हल्दी जायका, और ऑयल चाहिए हमें कुकिंग के लिए, धनिया पत्ता और कुछ पुदीने के पत्ते हमें 20 से 25 पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते हमें चाहिए, ऐसे हमें बारीक अच्छे से धोकर के चॉप कर लेना है बारीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने रेसिपी को बनाना। चावल को हमें सोक करके इसे आधा घंटे के, बासमती चावल को आधे घंटे के लिए बनाने से पहले हमें सोक कर देंगे तो वो काफी अच्छा बनता है, और इसे मैंने आधे घंटे के लिए सोक किया हुआ था। और जो मैंने आपको दाल दिखाई थी, ये दाल दिखाई थी मैंने, अब इस दाल का क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि इस दाल को हमें 2 घंटे के लिए सबसे पहले भिगो देना है, और अगर आप भिगोना भूल जाती हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे इंस्टेंटली भी बना सकती हैं, वैसे कि आप दाल को 2 ग्लास पानी डाल के 1 या 2 सीटी ज्यादा इसमें नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको ऐसा रखना है कि ये साबुत दिखे, ये ऐसे दबाने से, देखिए ऐसे दबाने से हो तो प्रेस करना पड़े हमें, ये बिल्कुल ज्यादा गलनी नहीं चाहिए, इसे 1 या 2 ही सीटी हमें इसको लगानी है। और देखिए दाल ये कितनी खिली खिली से है और बिल्कुल गली नहीं है, मैं इसको आपको हाथ से भी लेके दिखा दूं, इस टाइप से हमें इसे कुकर में 1 से या 2 सीटी लगा लेना है और फिर इसे हमें छान लेना है। ये देखिए मैंने तेल को पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए, तेल लगभग मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, और सबसे पहले तेल हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है,
और इसमें हम ऐड करेंगे ये जो हमने सारे मसाले लिए हैं तड़के के लिए, इसे हम ऐड कर देंगे। और हमारे मसाले अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और इसे हम बहुत ही अच्छे से 2 मिनट के लिए मतलब इसे भून लेंगे बहुत ही अच्छे से। और इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मसालों में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं और बहुत ही अच्छे से भून जाए। देखिए मसालों को हमने ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम नमक भी ऐड कर लेंगे। नमक आप हसबे जायका यूज करें, जितना आप यूज करती हूँ कम या ज्यादा हमेशा कहती हूँ। और मसालों को हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक अच्छे से भूनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फुल ऑयल अलग हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला और जो हमने फ्राइड ऑनियन लिया था इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। और हरी धनिया और पुदीने के पत्ते ये भी हम ऐड कर देंगे और थोड़ा हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और जो चने की दाल को हमने बॉईल किया था इसे भी हम ऐड करके 2 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए चने की दाल को हमने ऐड कर लिया है और इसे हम 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से चलाएंगे। 2 मिनट हो चुका है, दालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ और दालें हमारी भुन भी गई हैं। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी हमें इतना ऐड करना है कि हमारे जो चावल है वो अच्छे से कुक हो जाए और बिल्कुल अच्छा खिला खिला सा चावल और दाल दोनों होने चाहिए। तो पानी का खास ख्याल रखिए पानी डालते वक्त कि पानी हमें चावल के हिसाब से, जैसे आप नॉर्मल चावल बनाते हैं पुलाव उस हिसाब से ही डालें ताकि जब हम इसमें चावल ऐड करें और जब चावल कुक हो जाए तो बिल्कुल खिले खिले होने चाहिए। और हमने पानी को ऐड कर लिया है और एक उबाल जब आ जाएगा इसमें तो हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। पानी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चावल भिगो के रखा हुआ था। देखिए चावल हमने ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे जो चने की दाल है और जो चावल है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे धीमी आंच पे बिल्कुल। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं कि 15 मिनट के बाद हमारा पुलाव बनकर तैयार है या नहीं। तो देखिए हमारा पुलाव बिल्कुल बन गया है और बिल्कुल हमारी चने की दाल और हमारे चावल बिल्कुल अलग अलग से हैं, देख सकते हैं आप। देखिए चने की दाल और चावल बिल्कुल अलग अलग हैं। अब ये बहुत ही अच्छा कुक हो चुका है, अब इसे हम डिश आउट कर लें। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है अपने पुलाव को और काबली चना दाल पुलाव देखने में माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। इसे आप काबली चना दाल बिरयानी भी बोल सकते हैं। और इसे मैंने पेश किया है टमाटर और हरी धनिए की चटनी के साथ और सलाद के साथ। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जब हमारे बच्चे उब जाते हैं हर रोज दाल खाकर, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे वीडियोस को भी शेयर करें और लाइक करें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और भी अच्छी अच्छी
वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल डिलीशियस फूड विद मजबीन पर ज़रूर विजिट करें, और उसमें काफ़ी अच्छी आपको होम टिप्स भी मिलेंगी और ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगी और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज भी हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।